1 सितंबर को हरिद्वार के ज्वालापुर में श्री बालाजी ज्वेलर्स में बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उक्त घटना को शीघ्र खुलासे के निर्देश भी दिए गए थे। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा ज्वालापुर डकैती की घटना पर सख्त रवैया अपनाया गया। आपको बता दें कि कल रात्रि करीब 10:30 बजे थानाध्यक्ष बहादराबाद पुलिस टीम के साथ भेल तिराहा बहादराबाद पर वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच आज डकैती प्रकरण के खुलासे में जुटी जनपद हरिद्वार ज्वालापुर पुलिस द्वारा उक्त डकैती में शामिल दो अन्य अभियुक्तों गुरदीप सिंह और जयदीप सिंह को डकैती में लूटे गए आभूषण 8 सोने की चेन के साथ ख्याति ढाबा के पास के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया के सभी बंधुगण का कि शॉर्ट नोटिस पे आज छुट्टी के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं, पर मुझे लगा कि ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की, जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से SSP हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब अच्छा, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपराध और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे, बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी बड़ा कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खासतौर से जो पुलिस के हमारे ज़िले में फील्ड में लोग हैं और खासतौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज़ से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और फिर मेहनत करके लगन से उसको उसका खुलासा करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।